महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में मिलेट्स जैसी उपयोगी चीज को पूरी तरह प्रोसेस में लाने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। कैंसर और मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने से लेकर पोषण करने तक इन मोटे अनाज की अहम भूमिका रहती है। प्राचीन समय से उपयोग किए जाने वाले मोटे अनाज का प्रचलन बेशक कालांतर में कम हुआ हो, लेकिन अब एक बार फिर धमाकेदार एंट्री के साथ मार्केट में इनको लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चावल और गेहूं पूरा खत्म कर लेंगे, पूरा रोक लेंगे। मीटिंग अपॉर्ट लेंगे, उसमें एक ग्लास अगर हम मिलेट डालते हैं तो उसमें 10 ग्लास पानी चाहिए। कितना? 10 ग्लास। तब देखा उसमें एक पास ले जाएंगे तो यह, और खाली जब मिलेट भिगाएंगे तो उसमें ढक्कन लगाएंगे, लेकिन इसमें जो है ढक्कन नहीं लगाएंगे, एक सूती कपड़ा और वैसे ही पकाएंगे वही मिट्टी के बर्तन में। हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, और उसको इसमें हमने मोटे अनाजों के ऊपर हमने आप ट्रेनिंग ली है, कैसे इसको उगाना है, खेती कैसे करनी है, और कैसे इसको बिना खाद स्प्रे से हमें तैयार करना है, इससे हमें बीमारियों से कैसे बचना है, और हमें इसे कैसे इनकम को जनरेट करना है। जैसे कि हम महिलाएं, जैसे आजकल बच्चे मोमो चाउमीन वगैरह खाते हैं या और चीज़ें जंक फूड, तो हम इसे रागी के जैसे हम मोमोज बनाकर भी स्टॉल वगैरह महिलाएं लगा सकती है मेलों में या कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी हम इसको महिलाएं स्टॉल लगा के इसकी इनकम भी जनरेट कर सकती है, कि हम इसको घर में उगा के अपने घर का ही प्रोडक्ट तैयार कर सकती है। मैं जानता हूँ यहाँ जितने महिलाएं थे ना, सब कोई बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट से उन्होंने सीखा, तो ये सब परफेक्ट हैं अभी हर चीज़ में। तो क्या कुछ इनको यहाँ पर सिखाया गया? हमने इनको पहला देखिए, जो मोटा अनाज जो है आज का सुपर फूड है, हो गया, तो ये मोटे अनाज किस तरह खाया जाए वो भी है, तो हमने उनको वो सिखाया है। मैंने आपके यहाँ पे जो मोटे अनाज होते हैं दो थ्री तीन प्रकार के, लेकिन मेन मोटे अनाज जो पांच हैं वो है कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, सावा। इनमें औषधि गुण हैं, इनमें औषधि गुण हैं जो कि आपको शुगर से लेके कैंसर तक ख़त्म करने की इनमें शक्तियाँ हैं। शुगर को अगर हम मोटे अनाज बराबर खाते हैं ये पाँचों अनाज, तो ये जो है आपका 1 मंथ में पूरा शुगर ख़त्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर खादर वली जी, जो कि जिनको पद्म से अवार्ड मिल चुका है। हम उनका एक माध्यम है, हम तो साइंटिस्ट नहीं हैं लेकिन वो हमारे गुरु हैं, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चलते हैं। तो क्या मानते हैं महिलाएं इसको अपनाकर जो है वो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकती हैं? बहुत बहुत कर सकती है। हमने जितना टिप्स दिया है, जितना सिखाया है इनको, ये हर कोई कल से ही कर सकती हैं। कल से अगर चाहेंगी तो कल से ही कर सकते हैं। हम इनको A to Z हर प्रकार के सिखाए हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, हर चीज़ हमने सिखाया हुआ है इनको। कितने व्यंजन इन मोटे अनाज से बन सकते हैं? आप कुछ एक के नाम जरूर आप से जानना। बहुत सारे व्यंजन, जितने व्यंजन हम बना सकते हैं, हम जितने व्यंजन चावल और गेहूं से बनाते हैं उतने व्यंजन इनसे बन सकते हैं, ये कोई अलग नहीं है। हो गया, सिर्फ लोगों को इस पर जागरूक होना है कि हम इस पर कर सकते हैं, हम इस पर खा सकते हैं। तो हम जहाँ भी जो प्रोग्राम करने जाते हैं तो हम सिर्फ स्पीच पे ही नहीं रुकते, हम वहाँ पे उनको वर्कशॉप करके दिखाते हैं। तो जब वर्कशॉप हो जाएगी तो उनको उन पर आदत आ जाएगी, उनको मालूम होगा कि हम ये कर सकते हैं। तो अभी ये जो 30 लोग हैं ये 1 महीने में कम से कम 150 लोगों तक तो पहुँच जाएगा। मोटे अनाज से बने कई ऐसे व्यंजन बाजार में दस्तक देने को तैयार हैं जो निश्चित रूप से आधुनिक व्यंजनों को धूल चटा सकते हैं। इसी श्रृंखला में कृषि विज्ञान केंद्र में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील किसानों को मोटे अनाज की उपज और उनके प्रसंस्करण के संबंध में एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सर महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे बहुत सारी बीमारियां, शुगर, बीपी, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हो रही हैं आजकल, तो ये मिलेट खाने से तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें जो अभी मिलेट्स पे ट्रेनिंग दी गई, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि आप कैसे इसको घर में बना सकते हो, खा सकते हो। तो थैंक यू। ये एक सुदृढ़ प्रयास रहेगा, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये भी मैंने महिला समूह, जो एक्टिव समूह हैं जो पहले काम कर रही हैं, उन्हीं की मांग के आधार पर मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। और कुछ समूह तो ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम इस पर कर रहे थे,
लेकिन जैसे एडवांस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको कुछ एडवांस ट्रेनिंग दी है जिसमें इसमें स्नैक्स बनाने सिखाए हैं इस ट्रेनिंग में। वो पहले परंपरागत जो हमारे जैसे आपके बाजरा के लड्डू हैं, रागी की बर्फ़ी है, इसके रागी के बिस्किट हैं, रागी के लड्डू हैं, ये महिलाएं यहाँ पर ऊना ज़िला में पहले से बना रही थी, लेकिन वो कुछ और सीखना चाहती थी जिसमें इस प्रशिक्षण के दौरान उनको स्नैक्स जैसे आपको कर्ड मिलेट, मिलेट की एक हेल्दी ड्रिंक, मिलेट की चाय और इडली जो है हम बनाते थे चावल और दाल से बनाते हैं, ये वैसे तो दक्षिण भारत की स्नैक है लेकिन अब ये पूरे भारत में काफ़ी मशहूर है, तो लेडीज़ इसको भी ऐसे स्नैक के रूप में सीखना चाहती थी। इस प्रशिक्षण में उनको रागी की इडली और सांबर मिलेट, पनीर मिलेट, लीफी मिलेट और वेजिटेबल मिलेट, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई हैं और इनको ये भी बताया है कि ये केवल एक घर में दिनचर्या में तो आपने इसको शामिल करना ही है लेकिन इसको एक स्वरोजगार के रूप में कैसे अपना सकते हैं वो भी इस प्रशिक्षण के दौरान में ए से लेके मतलब बेसिक टिप्स बताए हैं, कैसे आपने GST लेना है, कैसे आपने समूह में कैसे आपने इनपुट जो है इकट्ठे लोगे सारे सर समूह इकट्ठा लेंगे तो आपकी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको बताऊँ इस मिलेट की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ इंडिया में कम है, इसका जो अभी इस समय मार्केट में रेट है ना वो थोड़ा सा हाई है, जैसे 120 रुपये किलो मिल रहा है रागी का आटा, तो अगर समूह इकट्ठे होकर लेंगे तो इनको फिर एज ए बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा